नमस्कार। आज बहुत ही दुखद घटना है। आतंकवादियों के द्वारा 3 जवान शहीद हो गए हैं, तो हमें इस चीज़ का दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जवान तो शहीद होने के लिए ही पैदा होते हैं ना, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। हमारे देश में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। भले हमारे सैनिक मरते जाए, हमारे सैनिकों को आतंकवादियों के द्वारा कहीं भी कुछ भी घटना होती रहे, हमारे शहीद होते रहे हमारे सैनिक, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनोरंजन का विषय है। इससे क्या भाईचारा दिखता है, और वहाँ कने गलबैया चलती है, वहाँ स्टेडियम में गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, एकदम हंसी ठिठोली का माहौल बना रहता है। क्यों? क्योंकि मैच देखना हमें अच्छा लगता है। शहीद होंगे तो हों, तो क्या क्या दिक्कत है? इतनी लाख सैनिक का सेना है हम लोग के पास, एक आध सही हो शहीद हो जा रहे तो क्या दिक्कत है? क्रिकेट के द्वारा इनको पैसा देते रहो, और ये ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा भारत में सैनिकों को वीरगति को पहुंचाते रहेंगे, और इनको मैदान के बीच में गले मिलकर स्पोर्ट्समैन सिर्फ दिखानी है। देशभक्ति कहाँ गई माचुदाने? हैं, देशभक्ति की तुमको जरा से फिक्र नहीं है। देशभक्ति दिखाना, वहां देशभक्ति नहीं दिखाने, हमको इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूरी है। अरे उनके साथ तो एक भी संबंध नहीं रखना चाहिए, उनके साथ बात भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मतलब एक ही संबंध रख सकते हैं हम लोग, कोई संबंध नहीं रख सकते उनके साथ। पाकिस्तानियों के साथ मतलब ना तो कोई गेम खेलना चाहिए, ना तो किसी प्रकार की वार्तालाप होनी चाहिए उनके साथ। टोटल क्लो, मतलब ऐसा कर देना चाहिए कि उस तरफ से ना तो कोई इधर आ पाए, ना तो इधर से कोई उधर जा पाए। एक एक संबंध ही नहीं रखना वैसे लोगों के साथ, जो हमारे सैनिकों की शहादत को परवाह नहीं करते, हम लोग उनकी परवाह नहीं करते। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो कैंसिल ही होना चाहिए सदा के लिए। उनके साथ कभी एक मतलब एक एक कोई संबंध ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको 2 पैसे जहां आएंगे वो आतंकवाद को फैलाएंगे भारत में, क्योंकि उनका उनका परवरिश ही इस प्रकार की हुई है उनकी। और इनको वहां स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना है, वहां ग्राउंड में गले मिलना है, गिफ्ट का आदान प्रदान करना है। इनको क्या है, वीर गति को प्राप्त हो रहे, वो हीरो नहीं है, बॉलीवुड के हीरो है और क्रिकेटर्स हीरो है इनके लिए, लेकिन जो अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो हीरो नहीं है। तो इनके भारतीयों के मानसिकता में भी थोड़ा सा गुलामीपन है ना, इनको खाली हर चीज में मनोरंजन देखना है। अपना थोड़ा सा भी अगर सेल्फ रेस्पेक्ट जिंदा होगा तुम्हारा, तो भारत और पाक के मैच का विरोध करोगे तुम। भारत और पाक का मैच नहीं होना चाहिए। अरे माचुदाने क्या मैच वैच, हमारे देश के एक भी जवान शहीद हो रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, कोई भी संबंध नहीं। माचुदाने क्या मैच, माचुदाने क्या कोई सा भी ओलंपिक या कुछ, भारतीयों जहां पाकिस्तान शामिल है वहां हमको शामिल नहीं होना चाहिए। उसको एकदम अलग से थलग कर दो उसको, मतलब वो भीख मांगने के उसमें है, वो भीख मांगकर भी आतंकवाद के लिए पैसा जुटा रहा है। वो अपने देश में जनता को ठीक से रखना नहीं चाहता, वो सिर्फ आतंकवाद के लिए पैसा जुटा रहे। वो इतने गए गुजरे लोग हैं, तो उनकी मानसिकता के साथ क्या मैच कर रहे हो तुम? वैसी मानसिकता को आप जीवन में नहीं सुधार सकते। क्या इनके क्रिकेटर्स के द्वारा क्या बीच में धर्मांतरण करने की बात नहीं आई थी क्या? किसी क्रिकेटर को बीच में बोल रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, दावत में बुला रहे हैं, क्या वो सब चीज नहीं दिखा था क्या? और शाहिद अफरीदी का क्या बयान नहीं था क्या कि 1947 में मेरे दादा उसमें शामिल थे जो कश्मीरी में हत्या किए थे? तो ये सब नहीं सुने हो क्या? इनके हर समय बयान आते रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या, हमको एंटरटेनमेंट पसंद है, पाकिस्तान से प्रेम, एक भाईचारा का माहौल बनाना चाहते हैं। अरे माचुदाने क्या भाईचारा का माहौल तुम्हारा? जहां हमारे देश की बात आती है वहां सारा चीज खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ हमारे देश का गौरव याद रखना चाहिए तुमको, लेकिन नहीं, हमें तो मैच देखना है। अरे माचुदाने क्या मैच, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 1,000 मैच, कोई लाखों मैच, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे सैनिकों की बात आई तो, हमारे हीरो की बात आई तो, हमें सिर्फ अपने देश के, हमारे सैनिकों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन तुमको मैच मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा तो चल रहा है हमारे भारत में? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या पूर्ण तरीके से इसका बहिष्कार होना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।